हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ मठरी या नमक पारे। मठरी वो भी मैं बनाऊंगी 6-7 अलग अलग आकार की। इसके लिए मुझे चाहिए 4 कटोरी मैदा। एक देखिए कटोरी ले ली मैंने। दो तीन चार, एक कटोरी रवा, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी तेल। पहले हम 1 कटोरी तेल डालेंगे, उसके बाद देखेंगे मैदा और रवा को मिला के अगर मुट्ठी नहीं बन रही होगी तो थोड़ा ऐड करेंगे। ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ 1 कटोरी तेल। अब इसमें मिक्स करूंगी 1 चम्मच अजवाइन। ये देखिए 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा। जीरा को मैं थोड़ा इसमें कूट लूंगी। अब इसमें मिक्स कर देंगे। डालेंगे 1 चम्मच नमक। देखिए 1 चम्मच नमक, और 1 कटोरी देखिए पानी हम डाल लेंगे। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं। पहले हम देखिए इसको पानी डालने से पहले इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं जो अनुपात बता रही हूँ बिल्कुल ही मेजरमेंट जो है ये करेक्ट है। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें देखिए लड्डू जैसा बनने लगेगा। इसकी यही पहचान है, जब कभी भी हम नमक पारे बनाते हैं तो इसकी जो मैदा जो हम भिगोते हैं ना, तेल वगैरह डालते हैं, आप कोई सा भी रिफाइंड तेल डाल सकती हैं इसमें, ये देखिए लड्डू जैसा बन जाता है। जब भी आप हाथ में ऐसे करेंगी तो देखिए ये लड्डू जैसा बन जाएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैंने देखिए 1 कटोरी पानी ले लिया है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ये देखिए 1 कटोरी पानी ऐड करने से ये परफेक्ट पूरा अच्छी तरीके से डो तैयार हो गया है। लेकिन थोड़ा सा हम पानी का छींटा और करेंगे, ये 2 चम्मच तक पानी और इसमें छींटा मार देंगे इस पर। इसको अच्छे से डो तैयार करेंगे इसको।
तो परफेक्ट तैयार हो गया है। इसको आप रेस्ट के लिए एक घंटा रख देंगे। इस तरीके से देखिए, इसको ढककर रख दीजिए। एक घंटे के बाद मैं नमक पारे बनाना स्टार्ट करूंगी। एक घंटा हो गया है, अब मैं मटरी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं देखिए 6-7 लोई एक साथ बना लूँगी। देखिए मैंने 6-7 लोइयाँ बना के रख ली हैं, अब मैं इनको बेलना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से देखिए बेल लीजिए। इसको थोड़ा पतला बेलिए, ये सेमी आकार की मटरी है। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से बराबर से कटिंग करिए, एक साइज के आकार की। अब इसको देखिए थोड़ा बड़ी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको एक दूसरी थाली में रख लेंगे। अब दूसरी लोई, अब हम इसकी कटिंग दूसरे आकार की करेंगे। इसको डायमंड शेप में करेंगे। देखिए ये मैंने बेल ली है लोई को, अब इसको काटेंगे डायमंड शेप में। थोड़े बड़े बड़े आकार के कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा चौड़ा साइज करना है इसका। इस तरीके से अब हम इसको क्रॉस कटिंग करेंगे। पहले ये साइड का थोड़ा हटा देंगे। अब देखिए इस तरीके से आएगी क्रॉस कटिंग में, डायमंड शेप का आ जाएगा। ये साइड के हटा देंगे। ये देखिए डायमंड शेप की मटरी की कटिंग हो गई है। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में। हमने तीसरी लोई भी बेल के तैयार कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दाल मोट में डालने वाली मटरी, इसको हम बहुत पतला बेलेंगे और कटिंग भी बहुत छोटी छोटी करेंगे।
दाल मोट में देखिए हम लोगों को बीच बीच में खाने को मिल जाती है वो वाली एक मठरी बना रही हूँ मैं। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ, ये थोड़ा साइड पे हटा दीजिए इस तरीके से। अब करूंगी कटिंग। एक साइज में ही काटिए इसको। अब इसके छोटे छोटे पीस करिए इस तरीके से। ये छोटे वाले पीस में कभी कभी हम चाट मसाला ऊपर से डाल के भी खाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग हो गई एकदम। इसको भी अब हम साइड में रख लेंगे। ये है दाल मोट में डालने वाली मटरी। लोई भी बेल ली है। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी करेला डिजाइन की मटरी। इसके लिए भी इसके देखिए इस तरीके से पीस कर लेंगे हम, बराबर बराबर से कट कर लेंगे। और इसको बीच से कर देंगे आधा। अब क्या करेंगे इस तरीके से लीजिए, इसको एक दूसरे से जोड़ते जाइए, चार पाँच छः और ये सात। ये हमने देखे एक दूसरे के ऊपर रख ली है। अब बीच का हिस्सा हम नहीं प्रेस करेंगे, केवल कॉर्नर से इसको जोड़ देंगे। ये देखे इसको कॉर्नर से जोड़ देंगे। ये बचा हिस्सा हटा दीजिए। अब बीच में देखिए ऐसे ही खुला रहने देंगे और इसको साइड साइड में इनको जोड़ देंगे आपस में। इसको फिर इस तरीके से घुमा देंगे, ऐसा सब घुमा के रख देंगे। इस तरीके से 6-7 पीस ले लेंगे। इस तरीके से लेके साइड में हम अच्छे से दबा देंगे इसको, इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए या आगे बच गया हिस्सा तो हटा देंगे। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा रोल कर देंगे यहाँ से। बस ये देखिए दूसरा करेला तैयार है। इसी तरीके से बाकी और मैं पीस बनाती हूँ करेले के। ये देखिए मैंने पांचवी लोई भी बेल कर रख ली है। अब मैं इसकी काजू की कटिंग करूँगी। इसके लिए बीच में थोड़ा सूखा मैदा इस तरीके से फैला लेंगे। अब इसको पलट देंगे इस तरीके से। अब इसको ऐसा रखिए, एक डिब्बी की सहायता से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ काजू के आकार की इस तरीके से।
हूँ खस्ता कचौड़ी वाली मटरी। इसके लिए देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। अब इनको किस तरीके से करना है, हाथ में थोड़ा टाइट करके इसको इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से रखते जाएंगे अभी हम। ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको रख लिया है। अब ये जो कूटने का रहता ना हमारा इलायची का, इसकी सहायता से इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इससे जल्दी बन जाएंगी ये। अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्लावर कटिंग की मटरी। इसके लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है, इसकी सहायता से छोटे छोटे गोल गोल पीस कट कर लेंगे। साइड का सब निकाल देंगे। अब मैंने एक बाउल में देखे थोड़ी सी मैदा ली है, उसमें थोड़ा पानी मिला के इसको रख लिया है। अब इसको देखिए ये सेंटर में लगा देंगे और एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने सेंटर में ये लिक्विड लगाया है, अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इसी तरीके से। देखिए रख दिया मैंने। अब हम करेंगे इसकी फ्लावर कटिंग। इसके लिए क्या करेंगे, एक चाकू की सहायता से इसके तरीके से कटिंग करेंगे। बीच में जुड़ा रहने दीजिए, साइड साइड में कट करते जाइए। ये देखिए फ्लावर कटिंग का हमने ये कट कर लिया है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखने में अच्छी लगेंगी। इसी तरीके से दूसरी को भी कट करेंगे। देखिए मैंने फ्लावर बना के रख लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे। इसमें डालेंगे तेल, आप कोई सा भी तेल यूज कर सकती हैं। तलने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अब गरम हो गया है और गैस को मैं देखिए कम कर दूंगी। अब धीरे धीरे एक एक करके तलूंगी। सबसे पहले मैं तलने जा रही हूँ फ्लावर्स को। इनको आप गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये देखिए आप गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं, ये पूरी तरीके से पक गई हैं। अब हम इनको थाली में निकाल लेंगे। अब मैं तलने जा रही हूँ काजू।
भी देखिए पक चुके हैं पूरी तरीके से। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं तलने जा रही हूँ कस्ता कचौड़ी वाली मटरी। कस्ता कचौड़ी वाली मटरी भी बन गई है। अब देखिए मैं इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी। इसके पकने का अंदाज़ा हमको इस तरीके से लग जाता है। इसमें देखिए फेना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से मालूम हो जाता है कि ये पक गई है कचौड़ियाँ। अब मैं तल रही हूँ करेले जो मैंने बना के रखे थे। अब मैंने देखे करेलों को भी तल लिया है। अब मैं तलने जा रही हूँ ये डायमंड शेप के जो मैंने कटिंग करके रखे थे ना मटरी, उनको तलूंगी। देखिए इनको भी मैंने तल लिया है। इसी तरीके से मैं इन सबको भी तल के रख लूँगी। अब देखिए मैंने इन सबको तल के रख लिया है। ये देखिए मैंने अलग अलग डिजाइन की नमक पारे या मटरी बनाई है। आप सब लोगों को इनमें से कौन सा डिजाइन ज़्यादा पसंद आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आया है ये मटरी बनाने का आइडिया तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।